आज हम लोग सिंधी कढ़ाई सीखेंगे। देखिए, सिंधी कढ़ाई के लिए धागा ले लिए, दो लाइन पहले ऐसे बड़ा बड़ा हम समझाने के लिए खींच लिए हैं, ऐसे छोटा भी खींचा जाता है, ठीक है। पहले हम लोग निडल को यहाँ पे बीच में ऐसे डालेंगे। देखिए, यहाँ एक टाँका लगाएंगे ऐसे, फिर इसके सीध में देखिए ऐसे, धागा इधर ही होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। इस तरह धागा इधर, फिर छोटा सा टांका, देखिए इस तरह। इस तरह किसी भी बेड कवर, पिलो कवर, किसी में भी बॉर्डर लाइन बन जाता है, ऐसा डिजाइन डाला जाता है। ये हुए, अब यहां से हम मोड़ लेते हैं ऐसे। इसको हम ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। अब इसको यहां से ऐसे, फिर ये धागा इधर ही रहेगा ऐसे, इस तरह ये पूरा लाइन को कर ले। आप लोगों को हम समझाने के लिए दूसरे कलर से फिल करना है, इसको बताएंगे भरना। सिंधी कढ़ाई कोई भी हो, चार लाइन में कंप्लीट होती है। ये दूसरा लाइन है हमारा, तीसरा से हम लोग भरना शुरू करेंगे। ये बस धागा ध्यान रखिए कि ये इधर ही रहे। ये फिर हम लोग ऐसे करके इसका एंड कर देंगे, और फिर यहाँ से हम दूसरा धागा से भरना आपको बता रहे हैं। अब हम लोग दूसरे कलर से भरना सिखा रहे हैं आपको। हालांकि जब बनेगा तो एक ही कलर से भरेंगे, पर आपको समझाने के लिए हम दूसरे कलर से इसमें भरना सिखा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ जो एंड किए थे हम, वहीं से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। देखिए, ये इसमें घुसाएं, ये दबा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी, देखिए ये दबा हुआ है, इसे ऐसे, फिर इधर से ऐसे। देखिए ये पार्ट्स, देखिए ये ऊपर का है, इसमें नहीं जाएगा, तो ये दबा हुआ है तो इसमें हम डालेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे इसमें नहीं, इसमें पार हो जाएगा, इसीलिए ये जो दबा हुआ धागा है उसी में हमको निडल डालना है। देखिए इस तरह, इसमें भी देखिए दबा है, इसको इसमें डालेंगे तो गलत हो जाएगा, ये नीचे वाले में इस तरह करिए। देखिए अब इसमें डालेंगे हम, फिर देखिए ये चीज ये नहीं फंस रहा है,
इसमें हम डालेंगे। बस इतना ही देखना है कि धागा मेरा फंसे, ऊपर ना चला जाए। देखिए इस तरह हम लोग इसको पूरे को फिल कर रही हैं इसी तरह से। देखिए इसमें ऊपर चला जा रहा है, इसीलिए इसमें डालेंगे। इसमें देखिए इस जो छेद है इसमें है, इसमें हम लोग डालेंगे। फिर इस तरह इधर भी, अब इसको भी देख लीजिए, इसमें नहीं हो सकता, इसमें डालेंगे। फिर यहाँ कॉर्नर में यहाँ चले गए, फिर यहाँ इस तरह, ये देखिए जहाँ अटक रहा है धागा वहाँ आप पिरोते जाइए इस तरह से। देखिए ये सिंधी का पहला स्टिच है। देखिए यहाँ इस तरह पूरा ये हम लोग फिल कर लेंगे। ये आप लोग समझ जाइए तो फिर दूसरा पैटर्न बताएंगे। इससे चौड़ा इसमें अटक रहा है, ये बस देखना है कि धागा हमारा अटक जाए। फिर यहां देखिए फिर हम लोग इसको टर्न कर लेंगे। जैसे एक नीचे का पूरा फिल हो गया, इस तरह घूम मूव कर लीजिए, ठीक है। अब फिर यहाँ से ऐसे शुरू हो जाएगा सेम चीज, सेम प्रोसेस में। अब है इसमें घुसाई तो ये देखिए इसे छोड़ दीजिए और इसमें डालिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ है, इसमें मत डालिए, इसमें डालिए जो हम लोग भरे थे। इसमें जहां धागा फंसता है उसी में हमको डालना है, ये हमेशा याद रखना है। ये आपको समझाने के लिए हम बड़ा बड़ा बना रहे हैं और दो कलर से हम लोग भर रहे हैं, नहीं तो सिंगल ही कलर से। देखिए इस तरह ये पूरा कंटिन्यू हो जाए। देखिए यहाँ घुसाएं, ये पार हो जा रहा है, इस पे हम लोग घुसाएंगे। फिर इस कॉर्नर में ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है। इस तरह पूरा कंप्लीट हो जाए। अब बड़ा बड़ा बनाइए, किसी भी बॉर्डर लाइन में डालिए आप। इस तरह नहीं समझ में आए तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और दूसरे तरीके से बताएं। देखिए ये एंड होगी इस तरह से। हम लोग दो कलर से भरे, इसे सिंगल कलर से ही भरा जाता है, ठीक है ना।